जय हिंद। सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ मनीष कश्यप। मनीष कश्यप पर अभी भी एनएसए नहीं हटा हुआ है। इतना तक आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपने इस केस को, मनीष कश्यप की केस को खारिज करके यहाँ पे हाई कोर्ट यहाँ पे भेज दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। आखिर बस की बात कहाँ पे रहेगी? आखिर तो आप लोग मिले जुले हो। मनीष कश्यप एक ही वीडियो पे, जब उन्हें तमिलनाडु ले जाया जा रहा था, उस समय वहाँ पे जो हवाई अड्डा पे वहाँ पे क्या बताया गया था, वहाँ पे एक ही उनका कमेंटमेंट था कि ना तो मुझे बिहार के नेताओं से, ना तो बिहार की पुलिस से मुझे दिक्कत है, ना तमिलनाडु के पुलिस से मुझे दिक्कत है, बस मुझे दिक्कत है तो बिहार के नेताओं से दिक्कत है। और वही हुआ। बिहार के नेताओं यदि चाहते तो अभी तक मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा हुआ है, या तो फिर तमिलनाडु के रिमांड पे जो है, वो एकदम से बिहार ले आए, मतलब आए हुए रहते। लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार को ही दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, तो उस पे कहीं मनीष कश्यप बाधा ना पहुंच जाए। और बाधा पहुंचना ना एकदम निश्चित ही है, क्योंकि मनीष कश्यप क्या दिखाता है? बस जो रोड है, रोड के नीचे मतलब नाला है, या फिर नाला रोड से ऊपर है, यही चीज कुछ दिखाता है। रोड के बीचों बीच में जो खंभा लगा हुआ या तो साइड पे लगा हुआ, ये चीज दिखाता है। रोड किस प्रकार से बना हुआ है वो चीज दिखाता है। क्या सही तरीके से बनाया जा रहा है पुल को, वही सब दिखाता है। आखिर चलते हुए राहगीर जो बच्चे जो चलते हैं, गरीब बच्चे चलते हैं, उन्हें मदद करते हैं, इससे बिहार सरकार को दिक्कत है। यदि कोई व्यक्ति शादी कर, अपनी बेटी को शादी करने के लिए यदि दिक्कत हो रहा है, यदि उन्हें मनीष कश्यप यदि हेल्प कर देता है 5-10 हज़ार रुपया दे के, तो बिहार सरकार को देख के वीडियो थोड़ा खराब लगता है कि हम इतने बड़े प्रतिनिधि पे हैं और पद पे हैं, और हम किसी को हेल्प नहीं कर रहे हैं, और एक बच्चा जो गरीब घर का बच्चा है, जो एक आर्मी का बच्चा है, वो सबको मदद करता जा रहा है। इसलिए बस इसी कारणों से मनीष कश्यप पर जो एनएसए रासुका जो लगा हुआ है, इन्हीं दिक्कतों से लगा हुआ है कि मनीष कश्यप सबके लिए हेल्प करते हैं। जो यदि कोई अच्छा यदि गाना गाता है, यदि कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है किसी चीज़ में, या तो पढ़ाई में, सोनू जो बिहार का था, नालंदा जिला का था, उसे एक अच्छे जगह पे पहुंचा दिया। किसका काम था? मनीष कश्यप का ही काम था। कोई नेता उनके यहाँ पे नहीं आते हैं, कोई नेता उस बच्चे के यहाँ पे नहीं आता यदि मनीष कश्यप आगे नहीं बढ़ता। तो बस इन्हीं कारणों से मनीष कश्यप पर सभी नेता इस पे थोड़ा सा गुस्सा होते हैं कि आखिर तुम क्यों हेल्प कर रहा है, बिना कोई पद का तुम इतना बड़ा हेल्प कर रहा है, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो बस इसी चीज़ से दिक्कत है। अब यहाँ पे बात रह गया कि तमिलनाडु पुलिस यहाँ पे क्यों मनीष कश्यप के पीछे पड़ी है, क्योंकि देखिए चोर चोर मौसेरा भाई होता है। यहाँ पे बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार दोनों आपस में मिल चुके हैं, नहीं तो एनएसए लगाने की क्या बात थी? हमारे इस बातों के अब थोड़ा सा अमल कीजिएगा कि एनएसए लगाने की क्या बात थी? मनीष कश्यप ना तो चोर है, ना तो कहीं नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा गया है, ना तो किसी अन्य बॉर्डर पे पकड़ा गया है, फिर भी मनीष कश्यप को एक रिमांड पे डेट आगे बढ़ता जा रहा है। करण कश्यप उसका भाई, उसकी माँ रो रो के उसका बुरा हाल है। क्या इस चीज को देख के बिहार सरकार को कुछ नहीं लगता है? अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से बागेश्वर धाम सरकार जी है आए हुए हैं, उतना नेताओं की रैली नहीं लगती है जितना बागेश्वर धाम सरकार की यहाँ पे रैली लग रही है। यहाँ पे डेली हनुमान चालीसा की जो कथा जो है, उस चीज़ को सुनवाया जा रहा है, और उस कथा पे भी मनीष कश्यप का नाम पुकारा जा रहा है। सभी लोग झारखंड से, बिहार से, यूपी से, नेपाल से, अन्य जगहों से आते हैं, और बस एक ही उम्मीद लेके आते हैं, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बागेश्वर धाम सरकार के पास अपना एक पर्ची देने की बात करते हैं, और बोलते हैं मनीष कश्यप का एक पर्ची खोल दीजिए, और मनीष कश्यप के बारे में मतलब हनुमान जी के पास में एक अपना अनुरोध लेके आते हैं कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द एनएसए छूटे और मनीष कश्यप घर लौटे। ठीक है, तो इतने सारे लोगों का एक उम्मीद है कि मनीष कश्यप एक अच्छा व्यक्ति है, मनीष कश्यप एक ईमानदार व्यक्ति है, मनीष कश्यप आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसीलिए इतने सारे व्यक्ति उन पे सपोर्ट कर रहे हैं। बात रही है कि यहाँ पे अभी तक एनएसए मनीष कश्यप पे नहीं हटा हुआ है, ये जो रासुका है क्यों लगाया गया है? अभी जैसे कि तमिलनाडु सरकार का जो कहना था कि इन्होंने गलत न्यूज़ फैलाया है, जिसके कारण से मनीष कश्यप पर एनएसए लगा हुआ है। तो अभी जब मनीष कश्यप को लेके जब एनएसए वो जब यहाँ पे लेके अन्य सारे न्यूज़पेपर, जनसत्ता हो गया, हिंदुस्तान हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, प्रभात खबर हो गया, इन सारे ने जब अभी छापा कि
तमिलनाडु के राज्यपाल ने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि मनीष कश्यप को 11 महीने तक अभी कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं होगा, जबकि एक दिन के बाद यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा ट्वीट आता है ट्विटर हैंडल पे कि मैंने इस तरह की कोई यहाँ पे अभी तक कोई अब चर्चा नहीं की है, ये चीज़ गलत है। तो आखिर जिन्होंने यहाँ पे गलत यहाँ पे जो छापा हुआ है, आखिर उस पर क्यों नहीं एनएसए लग रहा है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? कहीं ना कहीं ये जरूर राजनीतिक मामला है। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए जो अभी भी कानून के अंधे बने हुए हैं। कानून अंधा होता है, लेकिन मनीष कश्यप को एक ही चीज़ का उन्हें है कि कानून मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है और गलत किया जा रहा है। भले मनीष कश्यप को उम्मीद है कि कानून मेरे साथ गलत नहीं कर सकती है, कानून सबके साथ अच्छे करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के साथ यहाँ पे दबाव के कारण गलत किया जा रहा है। आप लोग का ये विचार कैसा है हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। छोटा से ही हम अपने गांव से वीडियो बना रहे हैं, गांव के लोग भी मनीष कश्यप को चाहने वाले बहुत सारे हैं। तो चलिए छोटा सा वीडियो से, वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और एक कमेंट कीजिएगा मनीष कश्यप के बारे में, यदि मनीष कश्यप के प्रति आपका प्यार है तो। जय हिंद।